सो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। सो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो क्लैश स्क्वाड के ऊपर होने वाली है कि आप कैसे क्लैश स्क्वाड का हर एक मैच बुया कर सकते हो, कैसे विन कर सकते हो। सो गाइस, वो टिप बाय टिप मैं आपको बता दूंगा। सो मेरी बात, टिप को आपको फॉलो करना है तो आप मैच को बुया आसानी से कर पाओगे। तो मेरी टिप नंबर वन है कि गाइस, आपको कैरेक्टर सेक्शन में जाकर आपको कुछ नहीं करना, बस वो उन कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना गाइस, क्योंकि इससे आपके बहुत बड़ी मदद हो जाएगी कि आप, आपको कोई कवर नहीं है, आप बंदों को नॉक करो और कवर ले लो, मतलब आप वुकोंग बन जाओ। और वुकोंग बनने के बाद तो आपको पता ही है सामने वाले बंदे की एक्यूरेसी माइनस हो जाती है बहुत ज़्यादा, जल्दी से उसका एम बैठता नहीं है आपके ऊपर। सो गाइस, हमारी जो टिप नंबर टू होने वाली है वो होने वाली है गाइस हमारे परमानेंट स्क्वाड की। सो गाइस, अपना एक परमानेंट स्क्वाड बना के रखिए जिसके साथ आप हमेशा खेल लिए और मैच जीतने की आपकी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि आपका जो परमानेंट स्क्वाड होगा वो अच्छा ही खेलता होगा। जो हमारी टीम नंबर थ्री होने वाली है गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसे तो आप ज़रूर फॉलो करना गाइस, क्योंकि वो फॉलो करने से आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी। सो गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने सीएस पॉइंट्स बचा के रखने हैं, आपको फालतू चीज़ नहीं लेनी है। जैसे आप वो लेते हैं मशरूम, आपको एक से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि एक से ज़्यादा लेने पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम मशरूम से ज़्यादा ज़्यादा 50 HP ही ले पाते हैं। इसलिए आपको एक से ज़्यादा मशरूम नहीं लेना चाहिए। अगले राउंड में बचा के आपको एक अच्छी सी गन लेनी चाहिए जिससे आप आसानी से अपने एनिमी को मार सकते हैं। सो गाइस, जो हमारी टिप नंबर फोर होने वाली है वो गाइस आप बहुत सारे जने नहीं करते, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो करना चाहिए। सो गाइस, जैसे हमारा टीममेट कोई नोक पड़ा होता है तो आप बहुत से लोग रिवाइव नहीं देते, आप रश मारने चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। पहले आपको अपने बंदे को रिवाइव देना है, फिर आप चाहो तो रश मारने जा सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले रश मारने गए और हो सकता है सामने वाले बंदे ने आपको मार दिया, तो फिर आप आसानी से मैच हार सकते हो या फिर राउंड हार सकते हो, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, अगर आपको कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है गाइस, जाके देखिए, जिससे आप और भी ज़्यादा अच्छे से मैच खेल सकते हैं और विन कर सकते हैं। सो गाइस, यही थी हमारी वीडियो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।